के लिए विश्वामित्र मुनि ने वशिष्ठ जी को बुलाया। वशिष्ठ जी आए और बहुत सुंदर उन्होंने भोजन पान प्रसाद ग्रहण किया और यथा योग्य सत्कार के पश्चात वापिस अपने आश्रम कुटिया में आ गए और कुटिया में रहे। और फिर इनके मन में भी आया कि एक बार हमें विश्वामित्र जी ने बुलाया है तो क्यों नहीं हमें भी उनको बुलाना चाहिए। तो अपनी पत्नी अरुंधति से चर्चा वार्तालाप करके वशिष्ठ ने विश्वामित्र जी को अपने यहाँ प्रसाद भोजन के लिए बुलाया। आए, बहुत सुंदर सत्कार हुआ और सत्कार के पश्चात वशिष्ठ ऋषि ने विश्वामित्र को गिफ्ट के रूप में कि मैंने जितना भी सत्संग किया सत्संग की आधी घड़ी का फल मैं आपको प्रदान करता हूँ। और जबकि विश्वामित्र जी के यहाँ जब भोजन करने के लिए वशिष्ठ मुनि गए थे तो वशिष्ठ मुनि को काफ़ी सारी तपस्याओं का फल दिया था। तो इन दोनों को इस बात को लेकर झगड़ा हो गया कि मैं आपके यहाँ भोजन में आया हूँ तो मुझे आधी घड़ी सत्संग का फल, और जबकि आप मेरे यहाँ आए थे तो मैंने हजारों वर्षों की तपस्या का फल आपको दिया। दोनों में काफ़ी समय तक झगड़ा वार्तालाप हुआ लेकिन निर्णय नहीं हुआ। तो निर्णय के लिए ये लोग ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से याचना की कि इस प्रकार से हुआ है, मैं जब इनके यहाँ भोजन के लिए गया तो इन्होंने मुझे मात्र आधी घड़ी का फल प्रदान किया, जबकि मेरे घर पे ये आए तो मैंने हजारों वर्षों की तपस्या इनको दिया। तो ब्रह्मा जी ने बात को टाल दिया कि आप ये कार्य विष्णु जी के पास जाए और विष्णु जी से पूछ लीजिए। ये भगवान विष्णु के पास जाते हैं और भगवान विष्णु को भी इसी प्रकार से बताते हैं कि ये हमारे यहाँ भोजन के लिए आए तो हमने इनको हजारों वर्षों की तपस्या का फल प्रदान किया, लेकिन जब यह हमारे यहाँ आए हजारों वर्षों की तपस्या का फल दिया लेकिन जब मुझे बुलाया तो मुझे मात्र आधी घड़ी सत्संग का फल देते हैं। तो भगवान विष्णुदेव, अगर विश्वामित्र जी की तपस्या बड़ी बताता हूँ तो वशिष्ठ मुनि को कष्ट होगा, और वशिष्ठ मुनि को बताता हूँ तो विश्वामित्र को कष्ट होगा। तो भगवान ने बोला कि मुझे तो पालन करने से फुर्सत नहीं है, आप इसलिए शिव जी के पास जाइए और शिव जी ही आपके इसका निर्णय करेंगे। तो यहाँ से ये दोनों साधु दोनों ऋषि चलते चलते कहाँ पर आते हैं, शिव जी के पास में आते हैं। सुंदर सत्कार प्रणाम होता है और उसके पश्चात दोनों यही बात रखते हैं कि हमारे यहाँ भोजन पे आए तो हजारों वर्षों की तपस्या का फल दिया, इनके घर पे गए तो मात्र आधी घड़ी सत्संग का फल हमको दिया गया, तो ये तो मेरे साथ में अन्याय हुआ है, तो आप ही कुछ सोल्यूशन निकालिए। तो बोला कि नहीं, मैं भी ये आप नहीं कर सकता हूँ, आप एक काम कीजिए, यहाँ से आए हैं तो थोड़ा और नीचे जाइए और आपकी ये जो समस्या है इसका समाधान तो शेषनाग ही कर सकते हैं, तो आप शेषनाग के पास जाइए। शेषनाग के पास जाते हैं, शेषनाग को सारा घटना बताते हैं। शेषनाग बोलते हैं कि मेरे सिर के ऊपर पृथ्वी है और पृथ्वी के भार से मैं बहुत दुखी हूँ, मतलब मैं भार को सहन नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए आप लोग क्या कीजिए, दोनों में से जब कोई पृथ्वी के भार को ले लेगा तो मुझे थोड़ा सोचने का वक्त मिलेगा, मैं बता सकता हूँ, आपकी बात का निर्णय दे सकता हूँ। तो सर्वप्रथम विश्वामित्र जी ने बोला कि मेरी हजारों वर्षों की तपस्या का फल मैं पृथ्वी माता को देता हूँ, पृथ्वी माता एक स्थान से तार्थ शेषनाग के सिर से थोड़ा ऊपर उठ जाए। तो पृथ्वी माता अपने स्थान से एक क्षण के लिए भी थोड़ी भी हिली नहीं। उसके पश्चात फिर वशिष्ठ जी को बोला जाता है कि वशिष्ठ ऋषि क्यों नहीं आप कीजिए। फिर वशिष्ठ मुनि तैयार होते हैं कि जो मैंने सत्संग किया सत्संग में से आधी घड़ी का फल मैं पृथ्वी माता आपको प्रदान करता हूँ, आप शेषनाग जी के सिर से थोड़ा ऊपर उठ जाए। जैसे ही ऐसा बोला तुरंत पृथ्वी माता ऊपर उठ गई और फिर थोड़ी देर के बाद में वापिस शेषनाग जी ने पृथ्वी को अपने सिर पे ले लिया। जैसे ही पृथ्वी को अपने सिर पे लिया तो फिर विश्वामित्र बोलते हैं कि हे प्रभु, आप हमारी जो समस्या है उसका समाधान कीजिए। बोला कि समाधान तो आपके सामने हो गया, क्या समाधान, कि आपने हजारों वर्षों की तपस्या का फल दिया लेकिन फिर भी पृथ्वी अपने स्थान से एक क्षण के लिए भी हिली नहीं, लेकिन जैसे ही ये
वशिष्ठ मुनि ने खाली आधा घड़ी सत्संग का फल प्रदान किया ये पृथ्वी को, तो पृथ्वी मेरे सिर से ऊपर की ओर उठ गई। तो यही है कि तपस्या से लाखों गुना क्या बड़ा है, सत्संग। इसलिए हमें जहाँ कहीं भी मौका मिले सत्संग सुनना चाहिए, कथाएं सुनना चाहिए, कृष्ण कथा सुननी चाहिए, राम कथा। जब भी समय मिले तो सत्संग में जाना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। जब भी समय मिले, जहाँ भी मौका मिले, है ना, वहाँ सत्संग में जाना चाहिए। हरे कृष्ण।